तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा। मैं आपके साथ अंजलि पटेल। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी जो कि है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आज से मतलब कि हमारा 4 जुलाई से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है और इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे एंड किस टाइप से आपको फॉर्म भरना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बारे में मैं आज आपको इसमें पूरी जानकारी बताऊंगी। ये खास तौर पे आप एक बात ध्यान रखें कि इसमें बहुत अच्छे आपके लिए रोज़गार हैं एंड आपको उसमें पे भी किया जाएगा आपके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से 8,000-10,000। वो अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना गूगल पर सर्च कर लें या ठीक है, एंड इसके जो ऑफिशियल पेज है उस पर जाएंगे। ठीक है, तो इस पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें सारी जानकारी दी हुई है कि आप कैसे इसको फिल करेंगे एंड कोर्सेज के बारे में दिया है। इससे आप पीडीएफ्स निकाल सकते हैं। इसमें प्रतिष्ठान मतलब कि जो कंपनीज है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अभ्यर्थी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये एमपी, इसमें मेन चीज़ ये है कि एमपी के होना चाहिए विद्यार्थियों को। ठीक है, तो जितने भी एमपी वाले हैं वो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये पंजीयन, अभ्यर्थी पंजीयन स्टार्ट हो गया है। आप इससे स्टार्ट करेंगे इसी साइट पर जाके www.mmskymp.gov.in। ठीक है, एंड पंजीयन के बारे में आपको पूरी जानकारी है यहाँ पे, आपको बता देगा ये। चलिए मैं आपको अंदर बताती हूँ कि कैसे इसमें जो फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो आप अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको पूरी जानकारी इसमें पहले ही दे दी जाएगी कि अभ्यर्थी पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश क्या क्या है, कि कृपया पंजीयन फॉर्म से भरने से पूर्व नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इस योजना में पंजीयन करने के लिए आपका समग्र आईडी इम्पॉर्टेंट है। याद रखें, आपकी समग्र आईडी में आपका फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए, आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। तो आप अभी जाके पहले करवा लें एंड आप अपने आधार, उसमें आधार कार्ड भी उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो जिनका भी आधार भी लिंक नहीं है वो आधार लिंक करवा लें एंड मोबाइल नंबर लिंक करा लें। और एक बात और ध्यान रखें कि KYC भी होगी, तो आपके यदि आधार कार्ड में भी अभी भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप उसको भी करवा लें। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी सक्रिय उपलब्ध होना चाहिए। वही चीज़ बता रहे हैं कि समग्र आईडी में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, समग्र पोर्टल आवेदक का आधार EKYC किया जाना है, इसलिए आपका क्या होना चाहिए, OTP आएगा, इसलिए आपको क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। समग्र आईडी में EKYC कराने के लिए चेक हेतु आप इस पोर्टल पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप EKYC कर सकते हैं और 24 घंटे उसमें लगेंगे। ठीक है, होने पर उसके बाद क्या है कि अभ्यर्थी पंजीयन करने के पश्चात प्राप्त यूज़र आईडी और पासवर्ड लॉगिन अपनी प्रोफाइल, जब आप इसको करने के बाद, पंजीयन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, अभ्यर्थी योजना अंतर्गत पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक 12वीं ITI डिप्लोमा की जानकारी दर्ज करें, इसलिए संबंधित अंक सूची, मतलब कि आप जहाँ तक पढ़ लिए हो, 12वीं हो, ITI हो या आपका डिप्लोमा हो, तो जो भी चीज़ है उनको PDF 500 KB में आप सेव कर लें। ठीक है, स्कैन करके। और बैंक खाता और DBT सक्रिय होना चाहिए, मतलब आपका बैंक खाता और आधार लिंक होना चाहिए साथ में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, ये आपको यहाँ बता रहा है कि 18 से 29 वर्ष तक के लोग ही कर सकते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन, जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हों। ठीक है, और जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं ITI या उससे उच्च हो वो लोग इसमें कर सकते हैं। एंड योजना से संबंधित जानने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपना जो आपका फैमिली आईडी नहीं, आपका जो पर्सनल समग्र आईडी नंबर होता है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, जो कि मेरे ख्याल से 9 समथिंग होता है। ठीक है, तो आप उसको लिखेंगे। ठीक है, एंड कैप्चर्स यहाँ पे डालेंगे एंड सत्यापित करेंगे। उसके बाद आपको क्या होगा कि OTP आ जाएगा व्हाट्सअप पर या SMS, जो भी आप जिस पे भी मंगाएंगे वो ऐसा कुछ आपके पास पेज खुलेगा। ठीक है, एंड इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा समग्र आईडी पर, ठीक है, उस पर आप SMS के माध्यम से मंगा सकते हैं या WhatsApp के माध्यम से मंगा सकते हैं, जो भी OTP है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो में से एक चुन लें और OTP भेजे पे क्लिक करें। जैसे ही वो आ जाएगा आपके पास OTP, उसके बाद आप क्या करेंगे, हाँ OTP दर्ज करेंगे और सत्यापित करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आपको क्या करना है, पंजीयन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आपका जो समग्र आईडी आधार कार्ड है, आधार कार्ड से आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर ले ली जाएगी। जो ये डाक वाले बॉक्स, डाक वाले इस पर आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके आधार से है उठाई गई जानकारी, ठीक है। लेकिन आप पिताजी का नाम, माता जी का नाम ऐड कर सकते हैं, आपका एड्रेस भी उसी से आएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि किसी का मोबाइल नंबर जो है वो यदि समग्र आईडी वाला नहीं हो, ठीक है, जैसे आपको यदि अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं नीचे यहाँ पर अपना नया वाला जो भी मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वो वाला यहाँ अल्टर कर दें और इस पर क्लिक कर दें। और यदि आपका समग्र आईडी वाला ही यदि आपने अभी लिंक कराया व्हाट्सअप वाला नंबर, तो इस पर ही क्लिक रहने दें, ठीक है। एंड यहाँ पे आप नंबर अल्टर करें, उसके बाद व्हाट्सअप नंबर अल्टर करने के बाद ईमेल आईडी भी अल्टर कर लें, ठीक है। लिंक वाला भी डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिंक करें, जैसे ही ओटीपी भेजे पे क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी आएगा, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी पे यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुल करें, उसके बाद क्या है, ये तीनों पे आप क्लिक कर लें, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दें, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे आने के बाद आपको आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा, आपका पंजीयन हो जाएगा, ठीक है। आपके पास आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा आपको, उसके बाद आप आगे बढ़ें और लॉगिन करें। लॉगिन में आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर सेंड हुआ है उसे यहाँ पर करें, इन कैप्चर डाल करके और लॉगिन करें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पर आपके पास एक प्रोफाइल ऐसा पूरा पेज इंटरफेस खुल जाएगा जिस पर आपको प्रोफाइल के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको कुछ नाम वाम ऐसा दे दिया जाएगा, फिर आपको कुछ इसमें जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। बाकी की जानकारी जो आपने फिल की है वो आ जाएगा। एंड आप अपनी शैक्षणिक योग्यता चुन सकते हैं, कौन सा आपको कोर्स लेना है। देखिए वो आप यहाँ पे जब आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ प्रशिक्षण कोर्स यहाँ पे आपके सामने ये पूरा आ जाएगा। इस हिसाब से आपको कौन सा प्रशिक्षण, मतलब आप किस चीज़ में अव्वल है या कौन सी चीज़ आपको लेनी है या क्या बनती है, वो यहाँ पे आपको सब दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी अपनी शिक्षा के अनुसार कौन सा कोर्स है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, और वो आपको बताएंगे भी, ठीक है। इसमें सारे चीज़ें आपको कॉलम्स मिल जाएंगे पूरे, इसको भरना है आपको, ठीक है। अंक सूची आपको अपलोड करनी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता जोड़ने के बाद आप दर्शाए अनुसार रुचि अनुसार अपनी रुचि 30 कोर्स जोड़ सकते हैं। आप इसमें 30 कोर्स कम से कम अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। आपके द्वारा जोड़े गए कोर्स आधार पर सही संस्था, मतलब आपके जोड़े गए जो कोर्स उसी के आधार पर आपको संस्था मिलेगी, ओके। और जोड़े गए कोर्स के आधार पर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के सुझाव भी उसी वो खुद ही देगा अपन को, ठीक है। आपने 30 संस्था जोड़ी और आपका जैसे शैक्षणिक योग्यता है उस हिसाब से ये आपको सेक्टर और कोर्स आपको खुद बताएगा, ठीक है। ऐसे बताएगा, देखिए 12वीं जोड़े हैं आपने तो ये बताएगा, ऑपरेटर डिप्लोमा है एग्रीकल्चर का तो ये बताएगा, ऐसे करके वो खुद ही आपको मतलब कि सुझाव देंगे, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिक आएगा रुचि के स्थान पर जोड़े जहाँ आप ट्रेनिंग करने इच्छुक हैं, अनुभव सर्टिफिकेट की मतलब अनुभव है यदि आपको तो वो भी आप सेव कर सकते हैं। अपनी रुचि के हिसाब से आप यहाँ पे क्या कहाँ पे आप मतलब कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में जैसे कोना हो गया है ना, झारखंड हो गया, तो ऐसे आप अपने हिसाब से यहाँ पर अल्टर कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको कोई कार्य अनुभव है तो आप करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप यदि प्रशिक्षण कहीं किए हो तो जो कार्य अनुभव है उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सेव करें। उसके बाद आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी प्रीव्यू आपको एक देखिए रिज्यूम टाइप ये बना करके आपको दे देगा, पूरी जानकारी आपको दे देगा रिज्यूम टाइप बना करके। अपना रिज्यूम में डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप रिज्यूम डाउनलोड करें और रिज्यूम डाउनलोड करने की आपको यहाँ पे लिंक दे दी जाएगी। आप जो आपने पूरा फॉर्म भरा हुआ है, जो कि आपकी स्किल है एंड जो आपने कंपनीज चूज़ किया है सब्जेक्ट, ठीक है, वो सब चीज़ें लिख करके आपको यहाँ पर और जो भी संस्था है वो सब आपको पूरा रिज्यूम सबमिट मिल जाएगा, आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आसानी से आप इसको भर सकते हैं। मतलब 4 जुलाई 2023 को ये आपकी लिंक एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। और यदि मान लीजिए यदि OTP वगैरह नहीं आ रहा है, यहाँ ईमेल एड्रेस डाला और आपको OTP नहीं मिल रहा है,
तो आप अभी एक दो मतलब एक दिन समथिंग रुकें, ठीक है। और यदि आपको ओटीपी नहीं मिल रहा है तो आप ये एक चीज़ और देख लें कि यहाँ नोट लगा है, आपको यदि ओटीपी नहीं मिल रहा है तो आप स्पैम फोल्डर चेक करेंगे, ठीक है। तो आप उसको देखेंगे, ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसकी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको आराम से पढ़ लें एंड आपको आपकी योग्यता के हिसाब से ये पे भी करेंगे, उस हिसाब से आपके पैसा जिसमें आपकी रोजी रोटी तो चली जाएगी, ठीक है। तो सभी लोगों से, मध्य प्रदेश वालों से यही मैं बोलूँगी कि जो भी 18 से लेकर 29 साल तक के लोग हैं, प्लीज़ इसमें पंजीकरण करें, मैं आपको काम करने का और सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बने रहिए इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। जय श्री कृष्ण।